हेलो एवरीवन, आज संडे है और यहाँ पे बहुत सनी हो रहा है। आजकल केन्या में इतना अच्छा क्लाइमेट होता है, आपको क्या बताऊँ, बट इस बार यहाँ पे भी इतना हॉट हो रहा है। इतना हॉट मैंने कभी फील नहीं किया पिछले 15-20 सालों में। सबसे ज़्यादा हॉट हो रहा है आजकल। मे बी क्लाइमेट चेंज हो रहा है सब जगह। तो अभी मैं कहीं पे जाने वाली हूँ, आपको दिख रहा होगा, पूरा है तैयार हूँ सनी क्लाइमेट से निपटने के लिए, गॉगल्स पहन के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पे और आप लोगों को लेके चलती हूँ, फिर ही आपको पता लगेगा कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं। नकुरू में बहुत कुछ चलता रहता है, एवरी वीकेंड कुछ ना कुछ नया मिलता है आपको देखने के लिए, कुछ ना कुछ फेस्टिवल, कुछ ना कुछ चला ही रहता है यहाँ पे। हर चीज़ यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, लाइफ बहुत लाइवली है यहाँ पे। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं, और जहाँ पे मैं रहती हूँ ये भी पूरी लेन इंडियंस की है। कभी मैं आप लोगों को इसका पूरा व्यू दूंगी। इस एरिया को नकुरू में सेक्शन 58 बोलते हैं और यहाँ पे पूरा फुल विद इंडियंस है। आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरे मिनी इंडिया में ही आ गए हो। कभी फील ही नहीं होता कि हम लोग अफ्रीका में रह रहे हैं या केन्या में रह रहे हैं। केन्या भी जाने दो, मैं तो एक छोटे से टाउन नकुरू से हूँ, बट इतने सारे इंडियंस हैं और ये पूरी की पूरी जो मेरी वाली लेन है पूरी इंडियंस से फुल है। तो हमेशा ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम लोग इंडिया में ही हैं। तो अभी आपको लेके चलती हूँ, गप्पे तो बहुत होती रहेंगी, अभी चलती हूँ आपको लेके। सस्पेंस है, चलिए मेरे साथ जहाँ मैं जा रही हूँ पीछे पीछे तो आपको पता लगेगा कि आज हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंचन शर्मा ब्लॉग्स। और आज मैं आई हूँ यहाँ पे पटेल समाज का, श्री निकेतन का फेटे है, फूड स्टॉल वैलेंटाइन स्पेशल। तो चलिए चल के देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आज बहुत सारा खाना मिलेगा आपको अंदर, बहुत सारे स्नैक्स मिलेंगे। चलिए चलते हैं अंदर। गाइस चलिए अंदर चल के देखते हैं आज यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं। कैसे है? फर्स्ट क्लास। ये कैश काउंटर है? कैश काउंटर। हाय। तो यहीं पे आपको पैसे देके टिकट्स बाय कर लेनी है और जो जो आपको खाना उस हिसाब से आप स्पेंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं लकी डिप की तरफ। हाय ऐशा। हाय। सो दिस इज लकी डिप। या इट्स लकी डिप। सो हाउ मच पर टिकट? 50 या? व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस? द हाईएस्ट इज द बाइसिकल। इट्स द बाइसिकल फॉर नाउ। ओह बाइसिकल। नाइस। सो समबडी कैन गेट दिस बाइसिकल इन 50 सीसी। Even Swani is coming. Okay. She's getting ready. How are you? Hello. Thank you.
चॉकलेट निकली वो अच्छी भी नहीं लग रही। किस्मत जिसका लक होगा उसी को मिलेगी। हाय, सो यहाँ पर है पिज्जा विदाउट ऑनियन गार्लिक का। सो यहाँ पे पहला स्टॉल फूड स्टॉल है पिज्जा का, सब बच्चों का फेवरेट पिज्जा है। सो यहाँ पर है खिची, फेमस गुजराती स्नैक्स, और इसमें ऑयल और सॉल्ट डाल के ऐसे ही खाई जाती है। और यहाँ पर है दबेली, दबेली बहुत टेस्टी है। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि दबेली कैसे बनती है। ये बहुत ही फेमस गुजराती फूड है, आइटम है, एंड इट्स रियली वेरी टेस्टी। और यहाँ पे बड़ा पाव एंड सो मेनी थिंग्स, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें हैं स्टॉल पे। तो वाओ, यहाँ पे पापड़ का आटा भी है, पैक करके रखा है, आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं और घर पे जाके पापड़ बनाए। इसे कोई भी पापड़ घर पे जाके बना सकता है, बना भी सकता है, खा भी सकता है। वो आप लोग यहाँ पे बर्गर पैक कर रहे हो, दाबेली, वाओ। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, रेस्टोरेंट चिप्स, समोसा, दाल भजिया, मारू भजिया, सब कुछ यहाँ पे है। तो आपके पास क्या क्या है? हमारे पास चिप्स है, मारू भजिया, दाल भजिया, वेजिटेबल समोसा, और पनीर सब है 200। यहाँ पे नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ रखा है, आपको जो भी ऐड करना आप कर सकते हो। बहुत बिजी हो। हाय, ओ यहाँ पे पानी पूरी है, पानी पूरी तो सबका फेवरेट है। ये पानी पूरी का मसाला है, पानी पूरी का है। अच्छा, ये भेल पूरी का है, ये पानी पूरी का है, ये पानी पूरी का है, और ये चटनी। ये सारी चटनी पानी पूरी की है, पानी पूरी भेल पूरी की है। तो गाइस, पानी पूरी देख के तो मेरे मुंह में सच में पानी आ रहा है। आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है या नहीं? यहाँ पे आपके पास कचौरी भी है? हाँ, कचौरी भी है, बहुत अच्छी है कचौरी, पानी पूरी और भेल पूरी, सेव पूरी, सब कुछ यहाँ पे है, सब पूरियाँ यहाँ पे है, सब कुछ चटपट है। हाँ, सब कुछ चटपट है। बेबी तो शर्माती है अभी, है ना, जैसे जैसे बड़ी हो रही है शाही हो रही है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू ईट टुडे? व्हाट आर यू गोइंग टू ईट? डोंट नो। ये खिची का लॉट है, पापड़ी का, पापड़ी का, पापड़ी का लॉट, बड़ा पाव। ओह, ये बड़ा पाव बन रहा है, ये है बड़ा, ये बड़ा है ना, और ये, ओ ये बड़े हैं।
ये बड़े काफी बड़े हैं। और यहाँ पे चटनियाँ दोनों, ये बड़ा पाव, ये क्या है? ये पापड़ का आटा। ऐसे ही सर्व होता है? कच्चा खाते हैं, ऐसे खा लेते हैं बस। मुझे नहीं पता था। वो दूसरा पता है मुझे, खींची वाला जो वो क्रीम क्रीम होता है। हाँ हाँ सारी चिल्ली हो। ये बन रहा है बटाटा बड़ा, बड़ा पाव। मराठी में इसको बोलते हैं बटाटा बड़ा, इससे बोलते हैं। हाँ, इसको बटाटा बड़ा और इसको बड़ा। सो ये फूड फेस्टिवल अभी मॉर्निंग में स्टार्ट हो गया है, टिल इवनिंग ये चला रहेगा और धीरे धीरे आप देख सकते हैं क्राउड बढ़ने लग गया है। जैसे ही लंच टाइम होगा तो और भी ज़्यादा क्राउड जो है वो बढ़ने लग जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं अंदर, ये किचन है, यहाँ पे सारे स्नैक्स जो हैं वो बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इंडियंस जो हैं लोग वो कितनी अच्छी तरह से हेल्प कर रहे हैं, और इन लोगों को सब कुछ बनाना आता है, बहुत अच्छे कुक रहते हैं ये लोग भी, उसे खा दो। तो यहाँ पर दावेली बन रही है, बाप रे, ये सारी की सारी प्योर गुजराती खाना, प्योर गुजराती खाना। यहाँ पे क्या बन रहा है? ये दाल भजिया। दाल बहुत सारा खाना है। कब से कर रहे हैं आप? सुबह से? नहीं, वन आवर पहले से शुरू किया। अभी स्टार्ट किया। अभी रश भी बढ़ रहा है, लंच टाइम हो गया ना, अभी लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये लोग समोसे फिल कर रहे हैं। यहाँ पे मसाला पहले से तैयार है और इन लोगों को पूरा फिलिंग करना, अच्छी तरह समोसे बनाने सब आते हैं। यहीं पे रहते हैं क्या? देखते हैं मेरे YouTube? हाँ देखते होंगे। हाँ, सब्सक्राइब किया है? वो पता नहीं, मेरी ननन के पास बताया। तुम जो हुआ छो कौन बताओ? मेरी ननन दिखा रही है। प्रीति, सब्सक्राइब करना। आपने किया है? बहुत किया है। हाँ, उनका लेके आई मैं अभी अंदर, वो खाना बना रही है ना, अभी मैं लेके आई उनका भी। अभी आए ना लास्ट टाइम आए ना। I'm good. You started yoga? Not yet. I'm doing online. No, but go on now. No, I'm not yet started. Have you? No, I just came from India. So, if you started already here, I think you're doing it. And our doctor saab is eating a fried one. No, it's okay.
ओके लेट मी ट्राई दिस वन इट्स टू मच ओके लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट गाइज इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और स्टॉल भी है, यहाँ पे मिल रहा है गन्ने का जूस। चलिए अभी थोड़ा हॉट हो रहा है, बाहर की तरफ भी आपको दिखाती हूँ बाहर क्या क्या है। बाहर भी यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर टेंट भी लगे हैं, यहाँ पर भी आप ओपन एरिया में बैठ के खा सकते हैं। So people are still coming. It is lunch time. Baby का lunch चल रहा है? चल रहा है. Party चल रही है? Party? Party enjoy कर रहे हैं हम party. Wow. हो गया खाना पीना? नहीं नहीं अभी बस आए हैं. अभी पहुंचे ही हो? अभी start कर रहे हो? अभी बच्चों का चल रहा है. पूरा गुजराती खाना सब कुछ है. खिची ये वो हमने देखा ही थी एक्चुअली, अभी सारे स्टॉल्स नहीं देखा, नहीं देखे नहीं oh. अभी जस्ट आए हैं। ये मैडम पहले स्टॉल में खड़ी हो गई थी huh? वो स्लिप्स वाला था ना oh, से निकाल के लाई लकी डिप है ना, लॉटरी हाँ। तो क्या निकला इसका? इसका ये निकला है, एक टिन निकला है oh, तभी तो मैगी निकली है oh, wow, मैगी तो अच्छा है फिर तो uh-huh. मेरी बेटी भी उसी के लिए आई है फटाफट से, बहुत ही लकी डिप है, मुझे जरूर जाना है। हाय बेटा बोल रहा है मम्मा से हाय। दोनों फ्रेंड्स मिल गई आज हम बढ़िया। आप भी अभी आए हो गई थोड़ी देर? अच्छा मैं तो ब्लॉगिंग करने आई हूँ। सही है बढ़िया। खाने की ब्लॉगिंग। So babies, girls, what are you eating today? देखो प्लेट में क्या है, पिज्जा है ना? पिज्जा बस यही चॉइस है सबकी है ना? और निकाला लकी डिप? नहीं अभी बाइसिकल चाहिए। आ गए आप भी, जो सबसे पास में है वो सबसे लेट पहुंच रहे हैं। कुछ स्टॉल में नहीं खड़े हुए? चलो खाओ कुछ खाना भी। तो क्या खाया कश्मीरा? क्या खाया आज? वाह ये क्या है? खास्ता कचौरी। क्या? खास्ता कचौरी। हमारे यहाँ पर इसको राज कचौरी बोलते हैं, इतनी बड़ी राज कचौरी होती है, सो यम्मी। आई डोंट खाते ऐसे हैं चम्मच से टिच करते और मुंह में डाल लेते हैं। खाती लेनी पहले राज कचौरी की तरह। ओह माय गॉड इसको सही में कैसे खाते हैं? कैसे
सहेली भी आ गई। आ रही हूँ बेबी, बहुत जल्दी आ गई। लंच हुआ नहीं अभी? अभी हुआ लंच टाइम। हाँ संडे आराम आराम से चल रहा है। पिज़्ज़ा खा रहे हैं, क्या बात है, मतलब सारी दुनिया खा सकती है, सबको अलाउड है खाना। एंजॉय करो। थैंक यू। पापड़ी का लोट अच्छा है? अच्छा है। सारा लोट डाल दिया आपने, है ना? हेल्दी हेल्दी। और ये हमारे डॉक्टर साहब है, ये पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। कभी कभी चलता है ना, चीट डे चलता है, एक दिन चीट डे है ना। सो गाइज, अभी लंच टाइम हो गया और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, और सबसे ज़्यादा क्राउड अभी पिज़्ज़ा वाली साइड पे है। सबको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। और ये कीनिया में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं जीको, और इसमें सारे पिज़्ज़ा जो हैं वो ओवन की तरह ही पक रहे हैं। तो इसमें पके हुए पिज़्ज़ा सच में बहुत टेस्टी होते हैं, बट अभी हॉट भी बहुत है और इसमें पिज़्ज़ा निकालने इट्स रियली टफ जॉब। जाम्बो मामा, हाय। तो अभी आप देख सकते हैं लकी डिप में भी कितना क्राउड है, सब बच्चों को बस यहाँ पर अपने अपने लक ट्राई करना है और छोटी छोटी चीज़ें लेके, सच में बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। कैसा है? बढ़िया बहुत बढ़िया। 500 में पिज़्ज़ा मिल रहा है, और चाहिए नहीं। Thank you.
चलो वेलकम बैक फ्रॉम इंडिया। हमारी पलटन अभी इंडिया से वापस आ गई है। मिस नकुल रियली यस। हां तो इंडिया में क्या खा के आए? बहुत सारा खाया हमने, पानी पूरी खाई, बेल खाई, हमने दही पूरी खाई, हमने छोले भटूरे खाए, बहुत कुछ खाया। पर लग नहीं रहा कि खाया है, दोबारा से यहाँ पे आ गए खाने के लिए। आज भी वही मिलेगा सब कुछ, उधर ही छोड़ के वही दोबारा से वापिस आपको दिखा। पूरा इंडिया मिल जाएगा, सारे स्टॉल है यहाँ पे। नहीं पापी, इतना खाया अभी यहाँ खाने का कुछ मन नहीं था, ऐसे बस देखने आए थे। नहीं नहीं खाओ अभी जाके ट्राई करो, सब कुछ है। आपका भी स्टॉल था लेकिन उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरे स्टॉल वाले दिन सबकी तबीयत खराब हो जाती है, काइट फेस्टिवल वाले दिन। हाँ मैंने वीडियो पे भी बोला था कि मेरे काइट फेस्टिवल में जरूर आना, स्टॉल में देखा था वो वीडियो। वीडियो नहीं देखा था लेकिन आपका मैंने मैसेज पढ़ा था। अभी देखो आप, मैंने फर्स्ट और लास्ट टाइम ही किया था शायद, नेक्स्ट टाइम तो भगवान जाने। ठीक था, ठीक था, चैरिटी के लिए था तो अच्छा था, ऐसा नहीं था। भगवान के नाम पे कुछ भी शुरू करते हो तो हाँ, और भगवान के नाम पे जो भी शुरू करते हो वो कभी सक्सेसफुल ही रहता। अच्छा गया, ऐसा नहीं था। हाय वेलकम वेलकम, आगे तुम भी फेटे में यार। क्या खाने का इरादा है आज? पानी पूरी और शुगर केन का जूस। शुगर केन का जूस और क्या? दाबेली। दाबेली तो पूरा गुजराती खाना तुम्हें मिलेगा आज यहाँ पे, ट्राई तो करती हूँ। हाँ चलो चलते हैं। ओके चलती हूँ। हाँ हाँ मैं भी आ रही। तो गाइस होप आप लोगों को सबको इंडियन सारा खाना, सारे स्नैक्स, पानी पूरी, दाबेली सब कुछ पसंद आया होगा। स्पेशली पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा तो सबका फेवरेट है। भजिया, चिप्स सब कुछ था, आपको दिख रहा था सब लोग कैसे बना रहे थे यहाँ पे हेल्पर। तो बहुत सारा क्राउड था। होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है। सो नकुरु में क्या क्या होता है, आगे आगे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, यू विल नो एवरीथिंग। सो अभी मैं निकलती हूँ घर की तरफ के लिए, और लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल्स को। थैंक्स, बाय।